हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, यानी खून पतला करने की दवा जो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन से साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से साइड इफेक्ट्स नॉन इंपॉर्टेंट है, किसे हमें ध्यान देना चाहिए, किसे ध्यान नहीं देना चाहिए, किसे मेजर ब्लीडिंग कहते हैं, किसे माइनर ब्लीडिंग कहते हैं और कब दवा बंद करनी चाहिए, कब नहीं बंद करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ताकत हमें मिलती है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉमन ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस या कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस। जो लोग भी खून पतला करने की दवा लेते हैं ये अलग अलग कैटेगरी में आती है। एंटी प्लेटलेट यानी जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स में प्लेटलेट को कम करने के लिए दवा दी जाती है उसे एंटी प्लेटलेट बोलते हैं। एक एंटी कोएगुलेंट होता है जो कि दूसरे तरह के क्लॉटिंग सिस्टम को, जो चोट लग जाने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग सिस्टम को जो रेगुलेट करता है, वो पदार्थों को जो कम करता है वो दवा उसे एंटी कोएगुलेंट बोलते हैं। दोनों बेसिकली खून पतला ही करती है लेकिन दोनों जहाँ पे काम करती है वो बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो वो ये दोनों मेडिसिन बेसिकली करेंगे काम को खून पतला करने का ही, लेकिन तरीका अलग है। दोनों का साइड इफेक्ट प्रोफाइल काफ़ी हद तक सिमिलर है। ऑब्वियसली अगर कोई खून पतला करने की दवा है तो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट उसका ब्लीडिंग ही होगा। अलग अलग तरह के पेशेंट में अलग अलग लेवल का ब्लीडिंग हो सकता है जिसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी और दवा बंद करना है कि नहीं। मान लीजिए किसी को मसूड़ों में से दो बूंद खून आ गया ब्रश करते समय, या पेशाब जाते समय किसी को पथरी की वजह से दो बूंद खून आ गया, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया, या किसी को स्किन में अगर ब्लड का थोड़ा सा चकत्ता पड़ गया जिसे इकाइमोटिक स्पॉट्स बोलते हैं, या कई बार पैकेटिकल रैशेज भी बन जाते हैं, डॉट डॉट जैसे स्किन में आ जाते हैं जो कि एंटीप्लेटलेट दवाइयों से थोड़े देखने को मिलते हैं। इकाइमोटिक स्पॉट्स भी ज़्यादातर एंटीप्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट दोनों से देखने को मिलते हैं। इन्हें कंपेरेटिवली माइनर ब्लीडिंग की कैटेगरी में माना जाता है और अगर खून पतला करने की दवा देना ज़रूरी है तो इन पेशेंट्स में ये दवा को बंद नहीं किया जाता है। थोड़ा डोज भले कम किया जा सकता है लेकिन दवा को बंद यूजुअली नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे केस में दवा को बंद करने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जिस कारण से वो दवा दी गई है वो बीमारी बढ़ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, वाल्व में क्लॉटिंग हो सकता है, तो उसलिए दवा का डोज को एडजस्ट कर दिया जाता है, दवा को बंद यूजुअली नहीं करते हैं। जहां मेजर ब्लीडिंग है कि खांसी में किसी को 50-100 ml से ज़्यादा ब्लड आ गया है, वॉमिट में 50-100 ml से ज़्यादा ब्लड आ गया, मान लीजिए अगर वॉमिट में थोड़ा सा टिंज आया है ब्लड का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि खांसी में थोड़ा सा थूक में ब्लड जैसा दिखा है, चार बार खांसी करने में 5 ml जैसा ब्लड आया तो वो मेजर ब्लीडिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। हालांकि मेजर ब्लीडिंग वाले केसेस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, पर माइनर ब्लीडिंग को भी आप पूरी तरह इग्नोर मत करिए। माइनर ब्लीडिंग को भी अगर प्रॉब्लम लग रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर माइनर हुआ है और आप इसे इग्नोर करते हैं तो अगली बार मेजर भी हो सकता है। तो डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए अगर ब्लड आ रहा है तो उसको किस तरह का कैटेगरी में उसको माना जाएगा और उसमें दवा बंद करने की ज़रूरत है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि खून पतला करने की दवा ज़्यादा डोज में चल रही है तो कितना डोज है पेशेंट के लिए पर्याप्त, कितना मात्रा है उस हिसाब से डोज को कम कर दिया जाता है, या कई बार अगर पेशेंट ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा पर है तो उसको बदल करके कम पावर की खून पतला करने की दवा दे दी जाती है। ऐसा स्पेशली ट्रू है जो प्रासुगेलर टिकाग्लोर मेडिसिन हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी के बाद तुरंत में दिया जाता है पहले 4-6 महीने के लिए, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा है। उसके बाद कई बार किसी लोगों को खांसी में, उल्टी में, मोशन में, स्किन में कई बार ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से ये दवाओं को हम कुछ दिनों के लिए कभी कभार बंद भी करना पड़ता है। पर ज़्यादातर केस में आप प्रासुगोल को स्विच ओवर करके अगर क्लोपिडोगल पे कर देते हो, साथ में एस्पिरिन को भी 75 mg पर कंटिन्यू करते हो तो मोस्टली काम चल जाता है, दिक्कत नहीं आती है। ये दवाई ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए थोड़ा साइड इफेक्ट होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। अगर कम स्ट्रांग वाली दवा आप क्लोपिडोगल देते तो उतना उसमें रिस्क कंपेरेटिवली नहीं रहता। वैसे केस में अगर सिवियर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर अपने को सभी दवा बंद करनी पड़ती है, और फिर 4-5 दिन के बाद जब वो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है, तो फिर आप दवाओं को रीस्टार्ट कर सकते हैं और उसमें भी आपको पहले के कंपैरेटिव में थोड़ा कम डोज देना पड़ेगा, या पहले के कंपैरिजन में अगर पहले 2 या 3 दवाई चल रही थी खून पतला करने की तो आपको उसके बदले में 1-2 दवा देना पड़ेगा, तो उससे कंपैरिजन में आपको पहले से ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर एंटी कोएगुलेंट पे पेशेंट और PTINR की वैल्यू जो कि हम असेसमेंट करने के लिए टेस्ट करते हैं कि पेशेंट का खून कितना पतला है, मान लीजिए अगर उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं तो वैसे पेशेंट को हम खून पतला करने की दवा को 1-2 दिन बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर वैल्यूज़ है, ब्लीडिंग होने का चांस है तो उनको विटामिन के एक इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि एंटी कोएगुलेंट पेशेंट्स जिन पर को चल रहे होते हैं उनको विटामिन के
के द्वारा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनका एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे पेशेंट को अगर विटामिन के दे दिया जाए तो उनका ब्लीडिंग का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये एंटीप्लेटलेट में एप्लीकेबल नहीं है, एंटीप्लेटलेट यानी एस्पिरिन, क्लोपिडोगल, प्रासुगल जो चल रही है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। जिनको वारफेरिन, एसिट्रॉम, अपिक्साबैन, डेबिगैट्रेन, रिवराक्सबैन ये मेडिसिन चल रही है उसमें ये एप्लीकेबल है, क्योंकि एस्पिरिन, प्रासुगल, टिकाग्लोर ये जो है ये एंटीप्लेटलेट है, इसमें विटामिन के देने का कोई रोल नहीं, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं उनका विटामिन के से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो दूसरे फैक्टर्स है जो विटामिन के डिपेंडेंट है, 2, 7, 9, 10 प्रोटीन्स पर डिपेंडेंट है, वो विटामिन के अगर देने से उनमें ब्लीडिंग का रिस्क कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। बात करेंगे मेजर ब्लीडिंग कौन से होते हैं और माइनर ब्लीडिंग कौन से होते हैं। मेजर ब्लीडिंग यानी किसी को अगर GI ट्रैक से यानी इंटेस्टाइनों में सीवियर ब्लीडिंग हो गया है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया है, जैसे किसी को अल्सर में से ब्लीडिंग हो गई, कैंसर में से ब्लीडिंग हो गई, एक सीवियर गैस्ट्राइटिस से ब्लीडिंग हो गई जिसमें BP ड्रॉप होना चालू हो गया, तो उसको सीवियर ब्लीडिंग माना जाएगा। ब्रेन में अगर कोई भी ब्लीडिंग हुई, भले थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो, तो उसे सीवियर या मेजर ब्लीडिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। पोस्ट सर्जिकल यानी ऑपरेशन करने वाली साइड से अगर ब्लीडिंग होना चालू हो गया तो उसे सीवियर माना जाएगा, क्योंकि उसमें फिर कई बार ब्लीडिंग रोक अगर नहीं रोका जाए तो ब्लीडिंग की वजह से जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा किसी को अगर हेमोराजिक शॉक है या ब्लीडिंग की वजह से BP कम हो गया है तो उसे मेजर ब्लीडिंग माना जाएगा। वहीं अगर नाक से किसी को ब्लीडिंग आ रही है, जिसे एपिस्टैक्सिस बोलते हैं, महीने में मासिक जो फीमेल को होती है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड जाता है वो अगर ज़्यादा हो रही है थोड़ी बहुत, तो उसे माइनर ब्लीडिंग माना जाएगा। चोटों से और कट से अगर थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है ज़्यादा, तो उसे माइनर ब्लीडिंग माना जाएगा। और कई बार स्किन में अगर ब्रूजेज या रैशेज आ जाए तो उसे भी माइनर ब्लीडिंग माना जाएगा। इसके अलावा ब्लड थिनिंग मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से कई बार लोगों को सर दुख सकता है, पर ज़्यादातर ये सर दर्द माइल्ड होता है। अगर किसी को सीवियर पेन हो रहा है तो तुरंत ब्लड थिनिंग मेडिकेशन रोक देना चाहिए और ब्रेन में कोई सीवियर ब्लीडिंग तो नहीं होगी उसका चेक करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड थिनिंग मेडिकेशन से कई बार पेट खराब भी हो जाता है, जिससे लोगों को नौजिया या उल्टी होना, वॉमिट होना, पेट में दर्द होना भी होता है। ज़्यादातर जो खून पतला करने की जो एंटीकोएगुलेंट दवा है उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा स्किन रैशेज कई बार देखने को मिलते हैं। स्किन रैशेज में दो अलग अलग तरह के रैशेज होते हैं। एक होता है इकाइमोटिक रैशेज, जो कि काले धब्बे जैसे होते हैं, स्किन में अलग अलग जगह पे पड़ते हैं, कई बार जहाँ चोट लगती है वहाँ पे पड़ते हैं। ये ज़्यादातर हाई डोज एंटीप्लेटलेट्स अगर चल रहा हो, यानी प्रासुगल, टिकाग्लोर चल रहा हो, मल्टीपल एंटीप्लेटलेट्स चल रहे हो या एंटीकोएगुलेंट्स चल रहे हो, खासकर जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है एंटीकोएगुलेंट का, वहाँ पे ज़्यादा होने का चांस रहता है। इसके अलावा पेटिकुलर रैशेज यानी छोटे छोटे डॉट डॉट में कई बार धब्बे जैसे हो जाते हैं जो एंटीप्लेटलेट पे होते हैं, उसमें कई बार देखने को मिलता है, जो कि कंपेरेटिवली काफ़ी कम कॉमन है। इसके अलावा किसी किसी को बालों का झड़ना हो सकता है, थोड़ा बहुत चांसेस है। हिपेरिन या एंटीकोएगुलेंट्स पे जो लोग पेशेंट हैं उनको थोड़ा बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को हड्डियाँ वीक होने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, जो कि वारफेरिन और पुराने जनरेशन के जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस है जैसे कि वारफेरिन, एसिट्रॉम, इसी में ही ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ कुछ पेशेंट को इनसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, लीवर पर थोड़ा डैमेज हो सकता है, किसी किसी को खून की कमी भी हो सकती है, इस तरह के साइड इफेक्ट ज़्यादातर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो सकती है। पर अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी या सर दर्द या इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो रहे तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसका मतलब शायद बॉडी में इंटरनल कहीं ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है। अगर सीवियर हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है। सीवियर वीकनेस या कमजोरी या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब बॉडी में इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, जो कि शायद ऊपर से दिख नहीं रहा। तो ऐसे सर्कमस्टेंस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को रिसेंटली कोई सर्जरी वगैरह किया गया हो या कोई सर्जिकल साइट से ब्लीडिंग होने का चांस हो, तो वैसे केस में ब्लड थिनिंग मेडिकेशन बंद कर देना चाहिए। जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं उनको दांत ब्रश करते समय या इंजुरी से अपने आप को बचाना चाहिए ताकि ब्लीडिंग का चांस कंपेरेटिवली कम हो। सर पे चोट लगने को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। कोई और खून पतला करने की दवा नहीं लेनी चाहिए। गलती से भी डबल डोज या मल्टीपल डोज में ब्लड थिनिंग मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। उसका डबल डोज होने से ब्लीडिंग का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन जब भी आप ले रहे हैं तो आपस में इंट्रैक्शन के लिए भी डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर के साथ, और अगर मेडिसिन से ब्लीडिंग हो रही है तो उसके साइड इफेक्ट्स को भी और कोई प्रॉब्लम्स भी हो रही है तो भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनका आप ध्यान रखें अगर, तो ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है,
और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है, आप उसे तुरंत देख सकते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते, उनको ऐसा लगता है शॉर्ट में ब्रीफ समरी को हमें बता दें, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका हेल्थ टिप्स की तरह फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर कंटेंट ढूंढने में जिन्हें दिक्कत आती है उनके लिए सारे चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, मेडिसिन, मेडिसिन साइड इफेक्ट्स, उनके प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक का से रिलेटेड हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट है वो मिल जाएगा। ये सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ, आप वहाँ डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको टॉपिक ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा।